क्राइम पेट्रोल में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे घर की एक दिल दहला देने वाली वारदात। हेलो पुलिस, यहाँ मेरी माँ का खून हो गया, जल्दी आइए। कॉल किसने किया था? नहीं किया। क्या हुआ? मेरी माँ खेल के हाथ मेरी माँ ऐसे पड़ी हुई थी। सर गला दबा के मारा गया है। और क्या हुआ, आपने क्या देखा यहाँ पर? तो मेरी माँ ऐसे ही पड़ी हुई थी, मैं खेलने गया। और कुछ अंदर देखा आपने? अंदर भी चेक करना पड़ेगा, क्या लूटपाट तो नहीं हुई है? सर हम एक बार तलाशी ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस बॉडी को जो है फॉरेंसिक लैब में, फॉरेंसिक वालों को बुला लो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हमें इस केस में पड़ोसियों से भी तहकीकात करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर चोरी भी हुई है और मर्डर भी हुआ है। ठीक है, तो हम पहले तलाशी ले लेते हैं। तलाशी ले लो और देखते हैं अंदर। आ जाओ बेटा। मैं जब तक फॉरेंसिक वालों को कॉल करूं। सर यहाँ पे चोरी हुई है। फॉरेंसिक वालों को बुलाना पड़ेगा और पड़ोसियों से पूछताछ भी करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करो ना। क्या हुआ है? ये बच्चे ने कॉल किया था, इनकी माता का गला घोट के किसी ने बोला है। शायद रस्सी से गला घोटा गया है, थोड़ा उंगलियों के भी निशान लग रहे हैं, लेकिन ये तो पीएम रिपोर्ट में ही पता लगेगा। चलिए और बताइए। और यहाँ पर डकैती भी हुई है। कुछ निशान तो मिले हैं, देखते हैं फोरेंसिक में क्या सामने आता है। ठीक है, उसके बाद में आपको बताया जाएगा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाना है। ठीक है, फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तब बिल्कुल क्लियर पता लगेगा कि मर्डर हुआ है या आत्महत्या है ये। ठीक है जी। ओके राइट, एनी क्वेश्चन? नो थैंक यू। तो बेटा आपके घर में और कौन कौन है? कौन कौन? सर हमारे घर में मैं और मेरी मम्मी रहती हैं, और एक शेफ भी था जो तब से मैं आया तब से गायब है। शेफ क्या आपके साथ में ही रहता था या वो? हाँ वो हमारे साथ में ही रहता था। अच्छा, चलो कोई बात नहीं बेटा, रोना नहीं, अभी हम देखते हैं क्या हो सकता है। सर हम पहले पड़ोसियों से पूछताछ कर लेते हैं। हाँ, और गीतिका इनका ये शेफ का देखो क्या क्या माजरा है, उसका ऊपर भी बुरी नजर रखनी है। ठीक है सर। ठीक है, तो पड़ोसियों से भी हम बात कर लेते हैं। हाँ जी, मैं सीबीआई से हूँ, और आपके यहाँ पर ये कब से रह रहे हैं? आपको पता होगा मर्डर हो गया। हमें नहीं पता, हम तो कल आए। कल आए? कहाँ पर गए थे? हम तो वैसे बाहर रहते हैं ज्यादातर। अच्छा, तो कौन कौन रहते हैं वैसे, कितने साल से रह रहे हैं? ये तो हमें भी काफी टाइम से रह रहे हैं। कौन कौन आता जाता था इनके? इतना नहीं बता सकते। तो आपका आपको वैसे आगे की पूछताछ के लिए हमारे को आपको तंग करना रहेगा, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए क्योंकि यहाँ पर इनकी डेथ हो गई है। तो अभी हम इसके केस के ऊपर पूरी तहकीकात कर रहे हैं, तो जैसे कुछ पता लगता है हम आपसे भी कोऑर्डिनेट करेंगे। जब तक के लिए आप इस क्षेत्र को छोड़ के मत जाइए। ठीक है।
रितिका अभी इनके ऊपर भी नजर रखनी है और अभी हम ऊपर देख लेते हैं। मुझे लगता है कि इस केस में ये भी होंगे साथ में, जहाँ तक मुझे शक जा रहा है। तो पड़ोसियों से पूरी नजर रखनी है। जो वो शेफ गायब है, हम उसकी लोकेशन भी ट्रेस कर रहे हैं। हाँ, उसको ऊपर ही ढूंढने चल रहे हैं। ठीक है, कहीं यहीं कहीं छुपा होगा, ध्यान रखो, यहीं कहीं छुपा होगा। कहाँ पर छुप के बैठे हो साहब? मैंने कुछ नहीं किया है। बच्चों को बुलाओ, बच्चों को बुलाओ आप जाके। मैं तो साहब मैं खाना बना रहा था साहब, मैंने देखा मैडम खून हो गया है। यही है तुम्हारा शेफ जी? अरे नहीं साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मर्डर करा है? नहीं साहब। लेके चलो इनको पुलिस स्टेशन। साहब मुझे छोड़ दो साहब। लेके चलो। अरे साहब बता तूने मारा? नहीं बता। इसको जब तक कूटो जब तक ये सच ना हो गलते। ये केस बहुत पेचीदा होता जा रहा था, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि दोषी कौन है। आइए देखते हैं। अभी तक तहकीकात कहाँ तक पहुँचे उस केस की? अभी ये इंस्पेक्टर साहब देखिए, फॉरेंसिक की रिपोर्ट है और ये वो भी आ गई है, पीएम रिपोर्ट देख लीजिए। तो क्या क्या रिपोर्ट आया है इसमें? ऐसा लगा है कि पहले जहर देके मारने की कोशिश की हुई है। अच्छा, लेकिन बाद में गला भी दबाया गया हुआ है। अच्छा, आप पूरी तहकीकात कर ले, बाकी जो मेरा काम था मैंने कर लिया। ये मौत वैसे कितने बजे के अराउंड रही है? ये करीब 12 बजे करीब दिन में हुई है। दिन 12 बजे। हमारे पास कॉल कितने बजे आया है? कॉल हमारे पास 1 बजे आया था। 1 बजे आया है, ठीक है, आगे चलते हैं हमें। ओके सर। सर ट्राई लेंगे। थैंक यू। तो इस केस में अभी जैसे बताया उन्होंने पहले जहर देके मारा गया, तो उस केस के अंदर और क्या तहकीकात हुई है? अरे सर, सर मेरी माँ की बॉडी कब मिलेगी? बेटा अभी तो... वैसे सारी तहकीकात हो गई है, बाकी आप मर्चरी से जाके आप बॉडी ले सकते और अपना माँ का अंतिम संस्कार करिए। बाकी हम पूरा पता लगा के आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब तक आप भी ये सिटी छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है? हम मान सकते हैं कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिर भी हम उस कातिल को जरूर ढूंढते रहते हैं। सर आपने इसको देखा? कितना फालतू में परेशान लग रहा है, मुझे तो इसी पे डाउट लग रहा है। देखना हेलो, कल का भी प्लान है, कल डिस्को चलेंगे, फुल ऐश करेंगे मजे से। चल बाय, मिलता हूँ फिर मैं शाम को। सर हमारा शक सही निकला। यस गीतिका, क्या हुआ? वो जो बेटा जो बार बार परेशान हो रहा है, वो मैंने उसे बात करते हुए सुना, वो किसी पार्टी की बात कर रहा था। पता चला कहाँ पर जाएगा वो? हाँ, वो किसी कसीनो की बात कर रहा था। कसीनो की बात कर रहा था, आज रात को ही पकड़ो वहाँ पर उसको। ठीक है। सारे रुक जाओ, गाना बंद करो। अब दोनों खुद बताओगे या मैं मार मार के बताऊंगा? बोलो, तुझे मैं
मैंने अपनी मम्मी का मर्डर करा है। क्यों करा अपनी माँ का मर्डर? वो मेरे को पार्टी नहीं करने देती थी, मैंने मार डाला। और तू चोरी चोरी किसने करी है? साथ, मैं आपको सच दोनों ने मर्डर करा है। मैं आपको सच सच बताऊं, मैं जब घर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मैम साहब मरी पड़ी थी, और मैंने अलमारी खुली देखी तो पैसे उस पर से गायब थे, लेकिन मैंने जेवरात निकाले और मेरी नियत फसल गई थी, जेवरात निकालते मैं वहां से निकल लिया। जो जब पहले पूछा तेरे से तो क्यों नहीं बताया तुम्हें? साहब मैं डर गया था साहब। और तू चंद पार्टी के लिए तूने अपनी माँ का मर्डर कर दिया। हाँ कर दिया। ले जाओ इसको। वो मेरे को कभी पार्टी नहीं करने देती थी। तुझे तो फांसी चढ़वाना पक्का है। कॉन्ग्रेचुलेशन कीतिका, हो गया केस सॉल्व। ओ डीसीपी सर का भी कॉल आ गया। ये मेरे से हमेशा पूछ रहे थे क्या बोलते, स्पीकर पे डालते। सलाम सर। सर कॉन्ग्रेचुलेशन सॉल्व हो चुका है वो। हम मंडे को चार्जशीट दाखिल करेंगे आपके यहाँ। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। जी सर जय हिंद। तो देखा आजकल आपने रिश्ते कैसे बदल रहे हैं। एक बेटे ने अपनी ही माँ को मार डाला चंद पैसों के लिए, क्योंकि उसकी माँ उसको पार्टी नहीं करने देती थी।